अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सादिया आसिफ। आई एम योर इंग्लिश टेक्स्ट टीचर। दिस इज़ क्लास 3, यूनिट नंबर 2, वीडियो नंबर 4 एंड कॉपी वर्क। दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी। फर्स्ट यू हैव टू मेक द इंडेक्स लाइक दिस। बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू हैव टू मेक द टाइटल पेज लाइक दिस। After writing the date, you have to start dictation words. The first word is beneath, means नीचे, panting, हाँपना, matter, कोई भी मसला, seemed, दिखाई देना, sleeping, सोना, shouted, चिल्लाना, thundering, गरजना, surprise, हैरानज़दा होना, terrified, डरा हुआ, nearby, नज़दीक, ट्रेम्बल, कांपता हुआ, लाफ्ड, हंसना, क्वाइट, यानी काफ़ी हद तक वैसे दिखाई देना। राइनोसेरस इज़ द नेम ऑफ एनिमल। टेरेबल, खौफजदा। वर्ड्स मीनिंग, यू हैव टू स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम न्यू पेज। द फर्स्ट वर्ड इज़ राइप, रेडी टू ईट, यानी कोई चीज़ खाने के लिए तैयार होना। शोक, मूव क्विकली, अप एंड डाउन, तेज़ी के साथ ऊपर नीचे होना। टेरिफाइड, फ्राइटेंड, डरा हुआ होना। ट्रेम्बल, शेक अनकंट्रोलेबली, यानी कोई चीज़ बगैर कंट्रोल के बुरी तरह हिले। रूमर्स, अफवाह, फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी झूठी खबर। एडवाइस, गाइडेंस फॉर फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल के लिए कोई भी नसीहत या कोई आपको मशवरा होना। पेंटिंग, क्विकली ब्रीथ, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। थंडरिंग, अ लाउड डीप वॉइस, यानी बहुत ज़ोरदार आवाज़। नेक्स्ट पेज में आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू हेयर, व्हाई डिड ही रन, हेयर के साथ क्या हुआ था और वो क्यों भागा था। व्हेन बिग राइप फ्रूट फेल विद अ लाउड थर्ड That shook the ground, the hare jumped in surprise and started running. जब एक बहुत बड़ा पका हुआ फल ज़मीन पर ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिरा और तो उसकी आवाज़ से जो है वो हैरत ज़्यादा होके हेयर ने जो है भागना शुरू हो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड दिस रूमर फर्स्ट, किसने सबसे पहले ये अफवाह उड़ा शुरू की थी। आंसर इज हेयर स्टार्टेड अ रूमर विदाउट चेकिंग फर्स्ट, हेयर ने जो है खरगोश ने सबसे पहले ये खबर बगैर चेक किए कि ये सही है या गलत शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। आंसर इज़ वी शुड नॉट लिसन टू रूमर्स विच आर ऑफन अनट्रू, हमें अफवाहों को नहीं सुनना चाहिए जो कि अक्सर सच नहीं होती। This is your homework, children. Make sentences of the following words: ripe, shock, rumor, advice, and thundering. You have to make the sentences new page and with neat and clean. All work should be with neat and clean. You have to use blue color for writing question and writing pencil for answering. Understand? Allah Hafiz.